नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ सरगर्मियाँ काफ़ी तेज हो गई हैं, वहाँ आश्वासन सुनाई दे रहे हैं, वहाँ प्रलोभन दिखाई दे रहे हैं और पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में वहाँ भी राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने अमृतसर में कहा कि अगर इस बार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जीती तो मुख्यमंत्री सिख समाज से ही बनाया जाएगा, ये दुनिया भर में रहने वाले सिखों का हक है। इस दौरान कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के जो अटकलें चल रही थी उस पर उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और हम उनका सम्मान करते हैं, ये कह करके उन्होंने अपनी बात को गोलमोल घुमा दिया। केजरीवाल राज्य में अपनी पैठ बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और उनका विरोध भी वहीं हो रहा है। अमृतसर के एयरपोर्ट पर पहुंचते ही श्रोमणी अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी उनका विरोध किया और केजरीवाल को गो बैक के नारे लगा करके काफी निराश किया। अकालियों का कहना था कि वो केजरीवाल को पंजाब में कामयाब नहीं होने देंगे क्योंकि उनका रवैया सिख विरोधी रहा है। इस गुट की अगुवाई वरिष्ठ अकाली नेता अवतार सिंह ट्रकवाला और अमृतसर साउथ विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी तलवीर सिंह गिल कर रहे थे और केजरीवाल यहाँ एक राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हुए थे। इस दौरान पंजाब के पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप ने आपकी सदस्यता ली। अब आप जानना चाहेंगे कि विजय प्रताप कौन है जो पंजाब पुलिस में आईजी रह चुके हैं। कुंवर विजय प्रताप 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वे 2015 में कोटकपूरा में पुलिस गोलीकांड की जांच कर रही एसआईटी के मेन मेंबर थे। इसके अलावा वे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी मामले की भी वो जांच कर चुके हैं। पुलिस फायरिंग मामले में एसआईटी की जांच रिपोर्ट को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद विजय प्रताप ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। तभी से उनके राजनीति में आने की चर्चा चल रही थी और 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कुंवर को आप में लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनकी मार्गदर्शक मानी जाने वाली अमृतसर की एक पूर्व मंत्री ने उन्हें रोक लिया। नॉर्थ हल्के से भाजपा नेता अनिल जोशी ने 2008 में कुंवर को एसएसपी पद से ट्रांसफर कराया था, तभी से दोनों में 36 का आंकड़ा था। कुंवर की कोठी नॉर्थ हल्के में आती है, वहीं सेंट्रल हल्के में कुंवर पिछले 13 साल से सक्रिय रहे हैं और 10 अप्रैल को हाईकोर्ट की जांच रिपोर्ट रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने अपना प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की अर्जी दी थी, जिसे कैप्टन ने मंजूर कर लिया था। तो दोस्तों, ये थी पंजाब में हुई एक बिल्कुल नई सी राजनीतिक घटना। कुंवर विजय प्रताप ने आपको ज्वाइन किया है और केजरीवाल वहां पे एक ऐसा आश्वासन देकर आए हैं कि पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री सिख समाज से बनाया जाएगा और वो ये नहीं जानते कि मौजूदा हालात में जो मुख्यमंत्री हैं वो भी सिख समाज से ही हैं। पंजाब में खड़े होके वो ऐसी बात कर रहे हैं तो उनकी बुद्धि पे क्या कहा जाए। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए एमबी स्पीक्स और देते रहिए अपनी बेहद कीमती राय मेरे कमेंट बॉक्स में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने में लाइक करने में तो कुछ ज़्यादा नहीं है। जय हिंद, जय भारत।